The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So when somebody has a heart failure, किसी का heart कमज़ोर है, किसी का heart सही से काम नहीं कर रहा, पंप नहीं कर रहा, मे बी मान लो नॉर्मल हार्ट जो है 100 ml लेके 60 ml बाहर पंप कर 60%, 50%, 55% हार्ट पंप करता है, किसी का हार्ट 40%, किसी का 30%, किसी का 20%, सिर्फ 20% काम कर रहा है, तो उसकी क्षमता कम हो जाएगी, पर्सन के हार्ट पे लोड कम करना है। द होल आइडिया ऑफ ट्रीटमेंट, द होल एम ऑफ ट्रीटमेंट is to reduce the pressure on the heart, right? So heart failure patient needs multiple medicines और हर medicine का आपके symptom पे, आपके heart failure का जो कारण है और उसके जो ऊपर जो load आ रहा है उसके ऊपर काम है। अगर आप एक उनके साथ रहने वाले हो तो आपको बहुत ज़रूरी है कि समझना कि कौन सी दवा किस लिए है, कौन सी दवा क्या करती है, ताकि आपको आइडिया मिले अब ये हो रहा है, मैं ये दवा ना दूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू डू एक्स्ट्रा डैमेज रैदर देन कि मैं चलो ये दे दूँ मैं डॉक्टर बन जाऊँ, नहीं। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कौन सी दवा कब नहीं देना है, कौन सी दवा में किससे जान बचेगा, किससे नहीं बचेगा, राइट? सो ये बहुत ज़रूरी है। इट्स क्रिटिकल फॉर हार्ट फेल पेशेंट जो समझें, अपनी दवा को भी समझें, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो दवा रेगुलर यूज़ करें, बिकॉज इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप डॉक्टर के पास वापस नहीं जाते। कई लोग डॉक्टर के पास आते नहीं है, मैं तो ठीक हो गया, मेरे को तो आयुर्वेदिक दवा लेनी है, मैं तो जड़ी बूटी खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा ही नहीं। सो इट्स नॉट अबाउट आयुर्वेदिक जनरिक, इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट, लाइक कुछ भी खाओ, समझो तो सही, बीमारी तो समझो, कुछ भी खाओ मॉनिटर तो करो, राइट? सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड क्यों, कौन सी काहे की दवाइयाँ दी जाती हैं हार्ट फेलियर में, और एक बहुत शॉर्ट में आपको क्विकली आपको आइडिया मिलेगा, क्योंकि इन दवाओं के सही इस्तेमाल से जानें बच सकती हैं, लाइफ लॉन्ग, लाइफ प्रोलॉन्ग हो सकती है, हार्ट फंक्शन बेटर हो सकता है। सो व्हाट आर दीज मेजर टाइप्स ऑफ कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड हार्ट मेडिकेशंस, राइट? लेट्स समराइज दीज पीपल, राइट? ऑब्वियसली नंबर वन इज blood pressure medicine which is called ACE inhibitors, angiotensin converting enzyme inhibitor। अब ये क्या है मुझे ना समझता, ऐसा चिंता मत करो। आप कई लोगों ने जिन्होंने सुना नहीं होगा, सुना होगा, ये है आपका इस जो आपका नाम है इस इनालेप्रिल, लेसिनोप्रिल, प्रिंडोप्रिल, आपने कैप्टोप्रिल, राइट? ये सारी नाम सुनी होंगी। रैमीप्रिल, ये बहुत कॉमनली सुनते हैं। रैमीप्रिल, मैं ब्रांड नेम नहीं ले रहा हूँ, मैं दवा का नाम ले रहा हूँ, अंदर जो दवा का केमिकल होता है उसका नाम। अब ये कई सारे कार्डेस नाम से बिकेगी, कोई एनवास नाम से बिकेगी। अब किस नाम से, वो कंपनी ने नाम दिया, हम दवा का नाम बता रहे हैं, केमिकल नेम, राइट? जेनरिक नेम। सो ये दवा क्या करेगी, ये ब्लड प्रेशर कम करेगी, और साथ ही कैसे करती है कि ये आगे जो खून है, खून जब किडनी से फिल्टर होके पानी निकल जाता है, वो बाहर किडनी से बाहर निकलना होता है, उसमें से ज़्यादातर पानी वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है खून में रोकने के लिए कि पानी रोकता है, तो ये उसको रोक देती है कि वापस रीअब्जॉर्ब, तो पानी कम हो जाता है, तो हार्ट पे वॉल्यूम ओवरलोड कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। सो वन थिंग विच हेल्प, इस तरह से ये ब्लड प्रेशर कम कर। सो एक दवा ये है, इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, इससे खांसी, ड्राई कफ आ सकता है। इसका दूसरा भाई है जो है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर और इनिबिटर, राइट? ARBs जैसे कि आपने वलसार्टन, कैंडीसार्टन, लोसार्टन, टेलमीसार्टन, टेलमा एच बहुत सुना होगा, ये इसका भाई है। बिल्कुल सेम सिमिलर काम है, लेकिन थोड़े से बगल वाले गेट पे काम कर रहे हैं, लेकिन सेम काम है। बिल्कुल वैसे ही पानी वापस नहीं आने देते, ब्लड प्रेशर कम करते हैं, और साथ ही इसमें कोई ड्राई कफ का साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए सबसे कॉमन दवा यही मिलेगी आपको, टेल्मा या वेलसार्टन या कैंडीसार्टन या लोसार्टन, ठीक है? देन देर आर न्यू मेडिसिन जो थोड़ी महंगी आई है, जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंड नेप्रिलेसिन इनिबिटर, ARNIs, अर्नीज, ये महंगी है। सैक्यूबिट्रिल एंड वलसार्टन जो है वो काफ़ी महंगी दवा है, बट इट इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में पेशेंट्स के कार्डियक डेथ रिस्क कम करता है, उसका हार्ट का जो पंपिंग पावर बढ़ाने के चांसेस बढ़ा देता है। तो सैक्यूबिट्रिल एंड वेलसार्टन कॉम्बिनेशन इज़ वेरी अनफॉर्चुनेटली महंगी बहुत है, इसलिए कई सारे लोग नहीं ले पाते, बट देन जो ले सकते हैं ले सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक। उसमें भी अगेन ब्लड प्रेशर कम करने का काम है, वेलसार्टन है कैंडीसार्टन वाला और सैक्यूबिट्रिल है साथ में। सो दीज आर ऑल्सो अगेन ब्लड प्रेशर और हार्ट के ऊपर प्रेशर कम करने वाला। और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, ये कार्डियक रीमॉडलिंग प्रिवेंट करते हैं। हो क्या जाता है, मान लो एक हार्ट का हिस्सा कमज़ोर है, 2 पंप करने चाहिए, एक नहीं कर पा रहा, तो एक नहीं कर रहा तो ये कर रहा है, ये पंप करेगा तो क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा धक्का मारेगा धक्का मारेगा, तो क्या होगा, ये कमज़ोर हिस्सा फैल जाएगा। तो हार्ट क्या होगा, इतना सा हार्ट होना चाहिए इतना बड़ा हो जाएगा, सो इतना बड़ा हार्ट हो जाएगा तो और फेल हो जाएगा। सो इसको कार्डियक रीमॉडलिंग को प्रिवेंट करती हैं ये दवाएँ, इसीलिए मिनिमम डोज में भी ये देनी पड़ती है, चाहे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा माइल्ड सा भी नॉर्मल रेंज में भी हो, राइट। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट, माइल्ड से माइल्ड डोज में भी देना पड़ता है। फिर हार्ट रेट कंट्रोल करना है, भाई हार्ट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हार्ट फेलियर ख़राब हो जाएगा, वैसे ही हार्ट रेट ज़्यादा होगा, धड़कन ज़्यादा होगी तो हार्ट पे प्रेशर बढ़ जाएगा, धड़कन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो उसके लिए देयर आर धड़कन कम करने वाली दवाएं। नंबर 1 इज़ IF चैनल ब्लॉकर, राइट। ये बेसिकली फनी चैनल ब्लॉकर होते हैं, इसे इवाब्रेडीन इस नाम है। और दूसरे है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर बहुत लोगों ने सुना होगा, मेटोप्रोलॉल, कार्वेडिलोल, बिसोप्रोलॉल बहुत कॉमनली दिए जाते हैं, राइट। सो बीटा ब्लॉकर्स या इवाब्रेडीन सिर्फ हार्ट रेट कम करते हैं, इवाब्रेडीन से ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है, और बाकी मेटोप्रोलॉल से ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा कम होता है। तो कई सारे डॉक्टर, कई सारे पेशेंट्स बोलते हैं मैं तो ये मेटोप्रोलॉल लेता हूँ, एटेनोल लेता हूँ ब्लड प्रेशर के लिए, वो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों पे काम करेगी, याद रखिएगा, ठीक। तो ये हार्ट रेट कम कर दिया, ब्लड प्रेशर कम कर दिया। फिर देयर आर बहुत इंपॉर्टेंट डायूरेटिक्स, राइट। हार्ट जब फेल होने लगता है, जब सांस फूलने लगता है, उसका ट्रीटमेंट है कि पानी निकालो, शरीर से पानी निकालो, डायूरेसिस करो। डायूरेसिस में पेशाब से पानी निकलेगा तो आपको सांस आएगा तो रिलैक्स होगा। तो कई लोगों को रेगुलरली इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसमें कई सारे डायूरेटिक्स होते हैं, पेशाब निकालने वाली दवाइयाँ, जैसे कि सबसे कॉमन डायूरेटिक्स है फ्यूरोसेमाइड, लैसिक्स या डाइटॉर, टॉर्सेमाइड, राइट। उसके अलावा क्लोरोथायजाइड, राइट, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरोथायडाइड, इंडापामाइड, बहुत सारे टाइमट्रिन, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो ऐसी काम करते हैं। ये क्या करते हैं, अगेन ये फ्लूइड बाहर निकालते हैं, सोडियम और फ्लूइड दोनों बाहर रहते हैं। इसके साथ कई बार एक साइड इफेक्ट होता है, पोटेशियम का इम्बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तो आपकी दवा के अनुसार आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि भाई इसके साथ पोटेशियम कब कब चेक करना है और उसका इम्बैलेंस ना हो इसके लिए क्या करना है। वेरी सिंपल, राइट, वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही 2 तरीके हैं, एक होता है पोटेशियम निकाल देने वाले, एक पोटेशियम रखने वाले, पोटेशियम स्पेयरिंग। पोटेशियम स्पेयरिंग में आते हैं हमारे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, वो भी डायूरेटिक है, वो बेसिकली स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेनेरोन। भाई आपको नहीं समझ रहा होगा कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं, बट बेसिक समझो, डायूरेसिस हो रहा है, बेसिक समझो कि डायूरेसिस हो रहा है तो पोटेशियम भी निकल सकता है, सोडियम भी निकल सकता है, सोडियम तो निकलता ही है, पोटेशियम निकलेगा, पोटेशियम की कमी होगी तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा। पोटेशियम वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो देखिए यूट्यूब पर, ये हुआ। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइड्रलाजीन, आइसोसोर्बिड, डाइनाइट्रेट, बहुत सारी अलग अलग दवाइयाँ हैं जो यूज़ की जा सकती है अगेन हार्ट फेलियर में। सो इसके अलावा हार्ट की खून की नसें फैलाने वाली दवाइयाँ, ब्लड थिनर्स, राइट, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ, हार्ट की पंपिंग पावर बढ़ाने की दवाई जैसे डिगॉक्सिन, ये सारी भी दी जा सकती है, लेकिन ये केस टू केस बेसिस में देते हैं। बाकी जो मेन बताई है वो मेन दवाइयाँ हैं, याद रखें। इसके अलावा भी कई सारी दवाइयाँ भी, आपके शरीर में सिर्फ हार्ट ही थोड़ी है, और भी बहुत सारी चीज़ों की कमी हो सकती है, गैस हो सकती है, मुझे इससे साइड इफेक्ट, मुझे पैर दुख रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे खून की कमी है, मुझे पता नहीं क्या क्या है। तो आपकी हर प्रॉब्लम के लिए भी सोल्यूशन साथ ही देना पड़ता है। सो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू मैनेज एवरी पेशेंट, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई साहब डॉक्टर के पास वापस जाया करो। अगर डॉक्टर नहीं पसंद तो दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन डॉक्टर के पास जाओ। हार्ट फेलियर एक टाइम बॉम्ब है, ये भगवान के ऊपर है वो कब फूटेगा, राइट। हमारा काम है कोशिश करना कि वो ना फूटे। इट्स अ टाइम बॉम्ब, इट कैन बी एक्चुअली, वो हार्ट फेलियर कभी भी, किसी का हार्ट 25% है, 20% है, कभी भी रुक सकता है, कभी भी फड़फड़ा सकता है, कभी भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन रेट रुक, लेकिन नहीं, कोशिश तो करनी होगी हार्ट पे प्रेशर रखने के लिए। वाई टू पुट इट थ्रू सो मच प्रेशर कि वो जल्दी हो जाए, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, सो दिस इज अबाउट द मेडिसिन्स फॉर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर अगर नहीं समझा तो पहले हमने बता चुके हैं कॉन्सेप्ट्स वीडियोज़ में। और इस वीडियो को भाई साहब शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सबको बताइए हमारे बारे में। आई एम डॉक्टर परमजीत, और कोई सवाल है कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, वी आर हियर टू आंसर। थैंक यू सो मच।